हेलो नमस्कार, स्वागत है सभी का। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी जो क्लास रहेगी वो क्षितिज भाग दो जो 10th क्लास के सिलेबस में है जो पुस्तक, तो उसका एक लेसन पढ़ते हैं हम। जो उस लेसन का जो नाम है कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो इसके राइटर हैं। तो ये जो राइटर है आधुनिक काल में के राइटरों में जिनका जो नाम गिना जाता है, इनका जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बस्ती नामक जो गांव में हुआ था। और इनके ये जो राइटर हैं ये उत्तर प्रदेश के आसपास के जितने भी राइटर हैं उनके संपर्क में रहे और इसी तरह से हिंदी साहित्य में आए। इन्होंने हिंदी जो एमए किया और इसके पश्चात जो इन्होंने देश का जो जो वर्तमान जो उस समय की जो परिस्थितियां थी तो उनको देखकर इन्होंने जो साहित्य रचा। तो इनकी जो रचनाएं हैं बहुत ही मानवीय करुणा से भरी पड़ी है। तो इनकी जो अन्य जो रचनाओं के विषय में हम जो इनके जीवन परिचय में पढ़ेंगे और तो इनका जो जीवन परिचय हम आगे करेंगे। तो आज का जो हमारा जो विषय यही है कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो 10th क्लास के सिलेबस में है और इसकी जो राइटर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो हम इसके विषय में पाठ के विषय में पढ़ते हैं कि इसमें जो लेसन में क्या दिया गया है कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित एक संस्मरण है। क्या है? संस्मरण। संस्मरण ऐसे व्यक्तियों पर लिखा जाता है कि जिसे राइटर का जो परिचय होता है वो बहुत थोड़े समय में ही उस राइटर के विषय में जो सारी जो जानकारी दे देता है। और इस संस्मरण में उन्होंने फादर कामिल बुल्के की जो चारित्रिक जो वर्णन किया गया है, फादर कामिल बुल्के, उनके चरित्र को दर्शाया गया है इस लेसन में। तो इसमें जो वे बेल्जियम में जन्मे थे, फादर कामिल बुल्के का जो जन्म कहाँ हुआ? बेल्जियम में। बेल्जियम जो इनका जो जन्म हुआ, फादर कामिल बुल्के का जन्म कहाँ हुआ? बेल्जियम में। लेकिन अपने आप को भारतीय कहते थे। उनका जन्म रैम्स चैपल में हुआ जो कि गिरजाघरों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कहा जाता था। यानी कि जैसे बेल्जियम में भी कौन सा स्थान? रैम्स चैपल। रैम्स चैपल, रैम्स चैपल जो स्थान पर जो इनका जो जन्म हुआ, जो कि जो पादरियों की जो एक भूमि कही जाती है। फादर कामिल बुल्के की मृत्यु एक जहरीले फोड़े के कारण हुई और लेखक सोचता है कि जिसके रगों में दूसरों के लिए मिठास और अमृत भरा पड़ा था तो उसकी जो मृत्यु है वो जहर से कैसे हो गई। फादर कामिल बुल्के की भगवान में बड़ी ही आस्था और विश्वास था और फिर भी उन्होंने जीवन के जो अंतिम दिनों में जो भी कष्ट सहे, उसका जो जिन कष्टों का उन्होंने सामना करना पड़ा वो भुलाए नहीं जा सकते। उनका शरीर कैसा था कि लंबा चौड़ा जो शरीर था, रंग गोरा था, सफेद दाढ़ी थी और आंखें कैसी थी? नीली। यानी कि उनके शरीर का जो जो व्यक्तित्व कैसा था, आंखें कैसी थी? नीली, और नीली आंखें, शरीर लंबा और चौड़ा और जो दाढ़ी कैसी थी? सफेद थी। और वे बड़े ही मिलनसार व्यक्ति थे, लेकिन 35 साल तक जो लेखक है उनसे जुड़ा रहा और फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। यानी कि जैसे हम जब दुख में होते हैं और एक गहरे जो शांत जो म्यूजिक होता है उसको सुनकर व्यक्ति जो आत्मिक जो शांति महसूस करता है, तो उसे यही सुनकर जो लेखक को एक आत्मिक शांति महसूस होती है। और उसको देखना करुणा के निर्मल जल में नहाना है। करुणा
करुणा के निर्मल जल में यानी कि दया दया के निर्मल जल में नहाना है, उनसे बात करना, कर्म के संकल्प भरना है, यानी कि व्यक्ति को कर्म करना उसका जो संकल्प भरना है, और परिमल जो पत्रिका के द्वारा लेखक की जो फादर से भेंट हुई वो धीरे धीरे वे उनसे पारिवारिक जो रिश्ते में बंध गई। जैसे इसमें जो परिमल जो शब्द आया है कि एक ऐसी जो साहित्यिक संस्था थी जिसका जो जो जिसका जो जैसे निराला जैसे जो राइटर थे वो इस पत्रिका से जुड़े रहे और उन्होंने जो जो पत्रिका जैसे 1943 ईस्वी में जब 1951 ईस्वी में और जैसे तार सप्तक निकलता था, जो तार सप्तक में जो लेखक नहीं होते थे तो वो जो परिमल पत्रिका में जो वे जो लेखक जुड़ते थे, तो परिमल नामक की जो पत्रिका थी उसका जो संबंध रहा वो निराला से रहा, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो उस पत्रिका से इनका जो संबंध रहा और धीरे धीरे वे उनसे पारिवारिक रिश्ते में बंध गए। वे गंभीर विषयों से बहस करते थे, लेखक की रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते रहते थे और वे प्रत्येक उत्सव के अवसर पर बड़े भाई और पुरोहित के समान उसे क्या देते थे, उसे आशीर्वाद देते थे। फादर कामिल बुल के लेखक ने कभी को कभी भी क्रोध में नहीं देखा था, फादर कामिल बुल के को लेखक ने कभी भी क्रोध में नहीं देखा था, उनमें केवल प्यार ही और प्यार ही भरा पड़ा था। उसको देखकर लेखक सोचता है कि इंजीनियरिंग के आखिरी वर्ष में पहुंचकर भरे पूरे घर के बावजूद उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जागृत हुई। लेखक ने फादर बुलके से पूछा कि क्या उन्हें अपने देश की याद नहीं आती, लेखक कौन जैसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो ये लेखक ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें अपने देश की यादार बेल्जियम रैम्स चैपल की याद नहीं आती। इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि मेरा देश तो भारत ही है। उन्होंने यह भी बताया कि उनका जन्म रैम्स चैपल में जरूर हुआ है और पूछने पर उन्होंने यह भी कहा कि उनको माँ की बहुत याद आती है और अक्सर वे अपने माँ को एक पत्र लिखते थे और फादर ने उन पत्रों को डॉक्टर रघुवंश को दिखाया करते थे और भारत जो आने के बाद वे जैसे कई बार बेल्जियम भी गए और फादर ने लेखक को यह भी बताया कि उनकी माँ बचपन में ही उनकी माँ ने बचपन में घोषित कर दिया था कि यह जो लड़का है यह हाथ से निकल जाएगा। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर कामिल जो बुलके है वो सन्यासी बन गए और धर्मगुरु के पास चले गए और सन्यास लेते हुए उन्होंने भारत जाने की जो शर्त रखी, यानी कि माँ जो होती है जो बच्चे की सही जो बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है तो माँ यह समझ लेती है कि जो मेरा जो बच्चा है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो माँ को फादर कामिल बुलके की जो हरकतों से यह पता लग गया था कि यह जो बच्चा है अब हाथ से निकलने वाला है अर्थात सन्यासी बनने वाला है और इसके पश्चात वो धर्मगुरु के पास चले गए और उन्होंने जो इच्छा रखी वो भारत जाने की रखी। पहले तो फादर बुलके जो बुलके ने भारत में आकर पादरियों के साथ धर्माचरण की शिक्षा ली अर्थात धर्म की शिक्षा ली और बाद में वे कलकत्ता से बीए और इलाहाबाद से एमए की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की। 1950 में उन्होंने राम कथा उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध किया, यानी कि 1950 में राम कथा पर शोध करते यही है कि उन्होंने इस विषय पर क्या लिखा कि इसने इस विषय पर उन्होंने रिसर्च किया, इस विषय पर पीएचडी की और कुछ समय के लिए वे जेवियर्स कॉलेज रांची में संस्कृत विभाग के भी अध्यक्ष रहे। फादर ने एक अंग्रेजी हिंदी कोश भी तैयार किया और बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया, यानी कि बाइबल जैसे हम जानते हैं कि ये जो यहूदियों की जो एक जो पारंपरिक जो बुक है तो उसका भी उन्होंने जो बाइबल का भी हिंदी में अनुवाद किया। रांची में वे बीमार रहने लगे और वे पटना चले गए।
और 73 वर्ष की आयु में ही उनका देहांत हो गया। तो देहांत कब हुआ? 73 वर्ष में। क्या हो गया? उनका निधन हो गया। 73 जब उनका उनकी जो डेथ हुई तो वे 73 साल के थे। और भले ही वे एक पादरी थे, एक सन्यासी लगते नहीं थे, जब वे दिल्ली आते थे तो लेखक पर हमेशा ही झुंझला जाते थे, अर्थात उन पर जो अपना जो रोग दिखाते थे। जब भी वे किसी से मिलते और उसका परिवार सुख दुख की बातें अवश्य उनके विषय में करते, उनके शब्द हमेशा मनुष्य के मन में जैसे आशा उत्पन्न करते थे, अर्थात लोगों को जागृत करने का जो प्रयास जो फादर कामिल बुल्के करते थे। लेखक को इस बात का दुख रहा कि बीमार होने के बाद फादर जो कामिल बुल्के है वो दिल्ली आ गए। कहाँ आ गए? दिल्ली। बीमार होने के बाद दिल्ली आ गए और उसे पता भी नहीं चल पाया। अब आखिरी बार लेखक ने उसको ताबूत में देखा। ताबूत जैसे जब कोई जो व्यक्ति है वो जब उसका निधन हो जाता है तो उसको ताबूत में डाल दिया जाता है। तो उसको किस में देखा? ताबूत में देखा। और मृत अवस्था में भी उनके चेहरे पर एक अद्भुत जो शांति थी। और 18 अगस्त 1982 को दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकलसल कब्रगाह में उनका जो संस्कार कर दिया गया, जो निकलसन कब्रगाह दिल्ली में उनका जो अंतिम संस्कार कर दिया गया। और अब जो लेखक है वो उसमें जो अन्य जो साहित्यकार है, लेखक है, वो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पर आए। और इस प्रकार उनके जैसा जो भारत जो में जो ऐसा जो रत्न जो उन्हें मिला। और इस सन्यासी ने कभी भी नहीं सोचा कि उनकी जो मृत्यु है एक ऐसे रोग से हो जाएगी जिससे बहुत ही मतलब अपना जो जीवन है वो बहुत ही जो दया उस करुणा उस जो जीवन में आ जाएगी। और यह इस यज्ञ की पावन आग के समान उनकी पावन यादें सबके दिलों में आज भी रह रही है और आजीवन बनी रहेंगी। अंत में लेखक ने उस महान आत्मा को श्रद्धा नमन होकर नमस्कार किया और ऐसे राइटर के को याद किया। तो इससे कहानी से हमें यही जो शिक्षा मिली कि जो फादर कामिल बुल्के है वो हमारे देश के न होकर जहाँ उनका जो जन्म हुआ बेल्जियम के रैम चैपल में, तो हमारे भारत देश के न होने के पश्चात भी उन्होंने भारत में आकर रिसर्च किया 1950 ईस्वी में और रामकथा पर उन्होंने जो रिसर्च किया PhD के। और इसके पश्चात वो जो संस्कृत जो कॉलेज थे वहाँ भी प्रोफेसर रहे और संस्कृत विषय से उनका जो गहरा जो लगाव रहा। और इस प्रकार जो उन्होंने जो 73 वर्ष तक का जो जीवन है वो बिताया। और वो जो अपनी माँ से जब उसकी माँ ने यह कह दिया कि यह बच्चा भारत से जाने वाला है, तो इसका अर्थ यही था कि जो लेखक की जो इच्छा थी, जैसे फादर कामिल बुल्के की जो इच्छा थी कि वो भारत आने की थी, और जो फादर कामिल बुल्के भारत आए और वहाँ आकर उन्होंने जो भारत के जो साहित्य है उसको पढ़ा और उसके विषय में लिखा। तो उनके जो जीवन के विषय में ही इस लेसन में बताया गया है कि उन्होंने फादर कामिल बुल्के जो जैसे संस्कृत साहित्य से हिंदी साहित्य से जुड़े और उसमें जो अन्य जो हमारे देश के साहित्य में उन्होंने विकास किया। तो आज हमने मानवीय जो करुणा की जो दिव्य जो चमक है फादर कामिल बुल्के उनके जीवन पर आधारित है। और ये जो राइटर है जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा जो रचित है और लेखक है जैसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना उनके संपर्क में रहे और उनकी जो यादों को इस जो संस्मरण में उन्होंने जो उकेरा। और ये जो उनका जो जो पाठ है यह हमारे जो देश के युवाओं के लिए एक ही एक प्रेरणा है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।